असलकम कैसे हैं आप सब इस दुआ के साथ के ला तब सब को अपने घरों में खुश रखे आबाद रखें हँसा मुस्कराता रखें सेहतरी के साथ और जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और यहाँ जी आज मैं आपके साथ अपनी फ़र्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी का जो व्लॉग है वो शेयर करने जा रही हूँ तो मैंने छोटा सा बस व्लाग बनाया था और केक बनाया इसकी रेसिपी आपको दूँगी मैं साथ ही इस वीडियो के लास्ट में आपको इसकी रेसिपी दूँगी ये केक मैंने कैसे बनाया है और जी हमारी सिंपल सी है ये वेडिंग एनिवर्सरी हमने केक कट कर लिया है और बस साथ में मैंने बनाया था ड्रिंक वो भी स्ट्रॉबेरी का बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ अपनी मैं पिछली वीडियो में तो ज़रूर देखेगा इसे आ, बस थोड़ी सी मैंने डेकोरेशन की थी मेरे बस कैंडल्स रखी थी तो वो मैंने जला ली थी आ, बस हमारी सी ये वेडिंग एनिवर्सरी है आ, क्योंकि हस्बैंड जो है मेरे शॉप पे ही दोपहर में अच्छे से खाना खा लेते हैं रात में खाते नहीं हैं तो खाना वगैरह हमने मैंने कोई भी नहीं बनाया था तो मैंने सोचा था संडे वाले दिन जो है वो बना लूँगी कुछ अच्छा सा तो आज सिर्फ केक कट कर लेते हैं तो बस केक कट करेंगे और केक को खाएँगे इन्जॉय करेंगे और तो साथ में ये ड्रिंक पियेंगे स्ट्रॉबेरी की मज़ेदार सी यम्मी यम्मी सी इसे आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चलें देखें मैंने केक कैसे बनाया है केक की रेसिपी देने जा रही हूँ आपको मैं और जी यहाँ केक बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में मैंने तीन अंडे तोड़ लिए हैं और अंडों को मैं बीट कर लूँगी और साथ ही इसके मैं डाल दूंगी एक कप चीनी जितना मैंने मैदा लिया है आ, केक के लिए उतनी मैं चीनी शामिल कर रही हूँ आप चाहें तो कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैं ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ पूरी पूरी केक आ, मेरे हस्बैंड को चीनी केक में ज़्यादा अच्छी लगती है वो चाहते हैं कि मीठा जो है केक में अच्छा होना चाहिए तो इसलिए मैं डाल रही हूँ आप चाहें तो कम डाल लें और यहाँ जो है अंडे और चीनी को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है दो से तीन मिनट तक और ये कितना ज़बरदस्त फ्लफ़ी सा हो गया है ये वॉल्यूम में डबल हो गया है और अब मैंने इसमें डाला है हाफ़ कप छोटा जो हाफ आ, कप होता है उसका मैंने हाफ़ दिया था ऑयल का वो मैंने शामिल किया है उसे डाल के मैं अच्छे से मैंने बीट कर लिया था और अब मैं इसमें डाल रही हूँ वन टीस्पून स्पून वनेगर वाइट सिरका और वन टीस्पून इसमें मैंने डाला है वनीला एसेंस का और इसे डाल के भी मैं बीट करूँगी एक मिनट तक और बैटर जो है वो तैयार हो चुका है तो यहाँ पे मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है उनको मैं छान लूंगी मैदा मैंने लिया है एक कप जितनी मैंने चीनी ली है उतना ही मैंने मैदा लिया है वन टीस्पून इसमें मैं डालूंगी बेकिंग पाउडर का और टू पिंच में डाल रही हूँ सॉल्ट नमक और दो टेबल स्पून मैं टू टेबल स्पून डाल रही हूँ इसमें आ, कोको पाउडर का और इनको मैं अच्छे से छान लूँगी और छानने के बाद जो है मैं इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से जो है मिक्स करूँगी और जो बैटर मैंने तैयार करके रखा है अंडे और चीनी का इसे मैं बीच में शामिल करूंगी और हल्के हाथों से हमने इसे मिक्स कर लेना है सारे बैटर को और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त केक बना था आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ट्राई करते रहा करें ट्राई करने से ही चीज़ जो है वो बन आ, बनानी आती है वरना ऐसे तो नहीं आती है किसी को भी और यहाँ पे जो है बैटर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है पर ये मुझे थोड़ थोड़ा थोड़ा हार्ड लग रहा था तो मैं इसमें शामिल करूँगी दूध थोड़ा सा दूध शामिल करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं और यहाँ ये अच्छे से मिक्स हो चुका है तो मैंने जिसमें जिस बर्तन में मैंने इसको बेक करना है उसमें मैंने अच्छे से ऑयल जो है वो ग्रीस कर लिया है और एक पेपर जो है वो भी बिछा लिया था बीच में उसे भी ग्रीस कर दिया था ऑयल से और ये बैटर जो है मैं इसमें डाल दूँगी और यहाँ बैटर जो है मैंने डाल दिया है बाउल में और अच्छे से मैं इसे टैप करूँगी और फिर मैं इसे रख दूँगी कुकर में बेक होने के लिए तो जब तक ये बेक होता है तो मैं आपको कोको पाउडर से गनाश बनाना बता देती हूँ बहुत ही झटपट सी घर में आप फ़ौरन फ़ौरन बना सकते हैं बहुत ही अच्छी बनती है इसकी रेसिपी भी मैंने आपको दी है तो फिर भी मैं दोबारा से इसकी रेसिपी दे रही हूँ आपको और यहाँ पे ले लिया है मैंने हाफ कप के जितना कोको पाउडर हाफ कप मैं इसमें डाल रही हूँ पाउडर मिल्क वन टी स्पून कॉर्नफ्लावर टू पिंच सॉल्ट डालूंगी मैं इसमें नमक का हाफ़ कप से ज़्यादा थोड़ी सी मैं चीनी डाल रही हूँ और इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से जो है मिक्स कर लूँगी और फिर इसमें इसमें मैं डालूँगी वन कप के जितना दूध और इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी और गैस को जो है वो मैंने भी ऑन नहीं किया है जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो फिर मैं गैस को ऑन करूँगी और यहाँ पे अब मैं गैस को ऑन करूँगी और दो से तीन मिनट लगेंगे ये हमारी जो गनाश जो है अच्छे से तैयार हो जाएगी मुसलसल आपने जो ये बीटर है चम्मच जो भी है आप इस्तेमाल करें चलाते रहना है और यहाँ गनाश जो है देखें कितनी अच्छी से ठीक हो चुकी है तो मैं इसमें डालूँगी बटर दो टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी बटर के तो अच्छे से ये मिर्च में मेल्ट हो जाएगी और ये गनाश जो है मुझे ज़्यादा थिक लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा दूध जो है और शामिल किया था क्योंकि मुझे थोड़ी पतली चाहिए थी तो ये बिल्कुल बेटर जो है तैयार हो चुका है गनाश का तो मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी और यहाँ पे जो है क्रीम को मैं विप कर लूँगी यहाँ पे विप, विपिंग क्रीम ली है मैंने और इसको मैं अच्छे से शेक कर लूँगी डब्बा खोलने से पहले आप हमेशा इसे चेक कर लिया करें और मैं एक कप के जितनी जो है क्रीम लूँगी क्रीम को जो है मैं अच्छे से बीटर मशीन के साथ बीट कर लूँगी पहले हम इसे कम जो है स्पीड पर रखेंगे फिर हम आस्ता से, से ज़्यादा स्पीड कर देंगे इसकी और ये देखो क्रीम जो है अच्छे से देखें वीट हो चुकी है तो अब मैं इसमें डालूँगी गनाश जो मैंने अभी बना के रखी है थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूंगी गनाश को जितना मुझे कलर चाहिए होगा उतना मैं रख लूंगी गनाश डाल के बस एक से दो मिनट तक इसे बीट करूँगी और जो हमारी क्रीम है विपिंग क्रीम वो रेडी है और यहाँ पे केक भी बिल्कुल रेडी था तो मैंने इसे प्लास्टिक रैप के साथ मैंने इसको कवर कर दिया था थो थोड़ी देर के लिए तो मैं इसको अब दो हिस्सों में कट कर लूँगी कितना ज़बरदस्त फ्लफी सा केक तैयार हुआ है और यहाँ एक ली है मैं छोटी सी कटोरी और इसके ऊपर मैं रख दूँगी ये जो जिसके ऊपर हम रोटी बेलते हैं ये वो बोर्ड है तो इसे मैं रखूँगी इसको घुमाने नीचे जो मैंने कटोरी रखी है बहुत ही आसानी हो जाएगी हमें घुमाने में केक को तो यहाँ सबसे पहले सबसे नीचे मैं लगा रही हूँ क्रीम और इसके ऊपर मैंने रख दिया है केक को यहाँ मैंने शुगर तैयार कर लिया था शुगर सिरप थोड़ा सा पानी लेके उसमें वन टीस्पून मैंने शुगर डाल के अच्छे से उसे मिक्स कर कर लिया था और इसको मैं डाल दूँगी केक के ऊपर अच्छे से सोक करना है हमने केक को इससे केक जो है बहुत ही अच्छा बनता है और इसके ऊपर मैं लगा दूँगी अच्छे से क्रीम को जितनी आपको पसंद हो आप उतनी लगा सकते हैं और यहाँ क्रीम मैंने लगा ली है तो इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ गनाश और थोड़े से पाइन थे मेरे पास वो भी मैंने ऊपर रख दिए हैं और केक की दूसरी लेयर जो है वो मैंने रख दी है उसका ऊपर वाला हिस्सा मैंने नीचे कर दिया है और नीचे वाला ऊपर कर दिया है और फिर से इसको मैं शुगर सिरप से जो है सोक कर दूंगी और फिर हम अच्छे से क्रीम को जो है केक के ऊपर और साइडों पे जो है वो लगा लेंगे और अगर आपको मेरी एनिवर्सरी का ब्लॉग और ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो मेरे चैनल पर न्यू विज़िट करें मेरे फ्रेंड्स उनसे रिक्वेस्ट है मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और यहाँ केक को जो मैंने अच्छे से फिनिशिंग दे दी है और यहाँ पे मेरे पास एक कार्ड रखा हुआ था उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया था डिज़ाइन दे दिया था और इसको मैं साइडों पे इसके साथ डिज़ाइनिंग दूंगी और मैंने आधे घंटे के लिए केक को फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए और बाकी की जो क्रीम बच गई थी आ, उसको मैंने डाल दिया है शॉपर में ये दूध वाले जो शॉपर मिलते हैं उसमें मैंने डाला है इसको सबसे पहले इसे डाल के मैं अच्छे से जो है इसको कवर कर दूंगी बंद करूंगी और फिर मैंने ये पाइपिंग बैग ले लिया था इसमें मैंने इसको डाल दिया है जो भी नोजल आपको अच्छी लगे तो वो लेकर आप अच्छे से ऊपर से फ़्लावर्स बना लें इसके ऊपर और मुझे ये अच्छा लगा था तो मैं इस तरह के जो है फ़्लावर्स बना रही हूँ उसके ऊपर जिस तरह से आपका दिल चाहे उस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं केक को ये तो अपनी मर्ज़ी होती है कि जिस तरह से जिस तरह के आपका दिल चाहे आप उसे बना लें और यहाँ पे जो गनाश थी जो रेडी करके मैं रखी थी ठंडी हो गई थी तो इसको मैं डाल दूँगी ऊपर से इससे बहुत ही जबरदस्त सा लुक आएगा केक का और साइडों पे जो है मैंने शॉपर में डाल लिया था और थोड़ा सा उसे आगे से कट करके तो इस तरह से मैं साइडों पे जो है वो भी डाल दूँगी ड्रॉप जो नीचे गिरेंगे इसके बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगी उससे और जो बाकी की क्रीम थोड़ी सी बच गई तो उसमें थोड़ी सी मैंने गनाश और डाली थोड़ा सा कलर और जो है डार्क किया उसको मैंने और फिर उस जो मैंने फ्लावर बनाए थे उसके ऊपर एक और फ्लावर मैंने बना दिया है और साइडों पे नीचे जो है केक के मैंने वहाँ पे भी छोटे छोटे फ्लावर बना दिए थे बस अब लास्ट में पाइन रख दूँगी उसके ऊपर और मेरे पास चॉकलेट रखी थी तो लास्ट में चॉकलेट मैंने ला, ला रख दी थी ऊपर तो वीडियो बनाना मैं भूल गई थी उसकी तो आपको रेसिपी पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हाफिज़ दुआ में याद रखिएगा कुछ रहिएगा